हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो राइट नाउ आई एम एट अ वेरी फेमस प्लेस इन साउथ बॉम्बे, विच इज़ दिस। ये है क्रॉफर्ड मार्केट। क्रॉफर्ड मार्केट जो है वो 1868 में बनाया गया था, ब्रिटिशर्स ने इसे बनाया था और इसका नाम पड़ा था मुंबई के फर्स्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर के नाम पे, जिनका नाम था ऑथर क्रॉफर्ड। आज मैं पूरी रिसर्च करके आया हूँ, सारी रिसर्च कर ली है मैंने इसके बारे में। तो 1996 में शायद इसका नाम बदला और इसका नाम कर दिया गया था महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट। और पहले ये जो मार्केट है ये सिर्फ फ्रूट्स मर्चेंट्स के लिए था, अभी यहाँ पे और भी तरह के बिजनेसेस आ गए हैं। ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, अभी तक इसे मेंटेन कर रखा है मुंबई गवर्नमेंट ने। तो एक काम करते हैं, वहाँ चलते हैं, अंदर चलते हैं मार्केट के और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। ये है इसका मेन गेट, बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग है ये, तो इसका अंदर चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं। बहुत लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पे, ये सारे ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं। और पहले तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स का बिज़नेस होता था, बट देन अभी चेंज कर दिया गया। ये शायद इसका सेंटर है, सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कल टाइप का है, ये चौक जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे हर तरह की शॉप्स खुल गई हैं अभी तो, और फ्रूट्स तो है ही, जैसे कि फ्रूट्स का तो मेन मार्केट ही है फ्रूट्स के लिए था। इसके अलावा यहाँ पे अभी कॉस्मेटिक्स भी मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। और ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, जहाँ तक आप मतलब देखो बहुत बड़ा मार्केट है। चॉकलेट्स, अगर आपको चॉकलेट्स लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे हर तरह की शॉप्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉस्मेटिक्स की शॉप है यहाँ पे, ये कुछ टाइप ऑफ जनरल स्टोर है, ये शायद कुछ स्पेसिफिक बॉडी केयर की शॉप है, ये ड्राई फ्रूट्स की शॉप है। हर तरह की यहाँ पे शॉप्स हैं। ये देखिए, ये स्पेसिफिकली शॉप ब्रेकफास्ट सीरियल्स के लिए ये शॉप है। ये वाली शायद कॉस्मेटिक्स की लेन है, यहाँ पे मुझे ज़्यादातर तो कॉस्मेटिक्स ही दिख रहे हैं। ये देखिए, ये शॉप सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम्स डीओस के लिए, सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम्स की शॉप है। ये भी बॉडी केयर है, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो अब मैं ढूंढता हूँ यहाँ का फ्रूट मार्केट, जिसके लिए ये क्रॉफर्ड मार्केट फेमस है। तो कॉस्मेटिक्स की जो प्राइजेस थी वहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल थी। अगर आप बाहर से कुछ कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं तो वो आपको महंगा पड़ सकता है, लेकिन यहाँ से लेंगे तो एकदम सही रेट में आपको सारे कॉस्मेटिक्स मिल जाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं फ्रूट मार्केट की तरफ। यहाँ पे पपायाज ही पपायाज हैं, ये पूरा पपायाज का काम है इनका। ये पाइनएप्पल है यहाँ पे बहुत सारे। तो ये है शायद फ्रूट मार्केट यहाँ का। ये क्लोज नहीं है, ये शायद ओपन है, देख सकते हैं आप। ये ओपन मार्केट है, मतलब यहाँ पे ऊपर रूफ़ नहीं है, जैसे कि वहाँ पे रूफ़ थी बिल्कुल, यहाँ पे रूफ़ नहीं है, ये ओपन में है पूरा मार्केट। पहले शायद ये मार्केट अंदर हुआ करता था और अब ये मार्केट बाहर आ गया है। यहाँ पे हर तरह के आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे। बड़ा मार्केट है, पता नहीं कौन से गेट से घुसा था और कौन से गेट से निकल रहा हूँ, नो आइडिया, पता नहीं कहाँ आ गया मैं अभी। तो एक बार जल्दी से गूगल मैप चला लेता हूँ और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता हूँ। ये वाला पार्ट भी क्रॉफर्ड मार्केट का ही आउटर पार्ट है। यहाँ पे बैग्स का पूरा है, ये पूरा बैग्स की लेन है। यहाँ पे सिर्फ बैग्स ही बैग्स मिलते हैं, हर तरह के बैग्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। हालांकि इस मार्केट का नाम चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी इस मार्केट को ज़्यादातर लोग क्रॉफर्ड मार्केट ही बोलते हैं, महात्मा ज्योतिबा मार्केट नहीं बोलते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि क्रॉफर्ड मार्केट के नाम से ही फेमस है ये मार्केट। साउथ बॉम्बे में किसी को भी बोलो क्रॉफर्ड मार्केट जाना है तो वो ईजिली पहुँचा देंगे, लेकिन अगर आप बोलो ज्योतिबा फुले मार्केट जाना है तो एक बार के लिए वो पूछेंगे अच्छा ये कहाँ पर है। मेरे पीछे मनीष मार्केट,
मार्केट, ये साउथ मुंबई का एक बहुत फेमस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। यहाँ पे आपको हर चीज़ की कॉपी मिल जाएगी, अगर आपको किसी भी चीज़ का कॉपी खरीदना है तो यहाँ आ जाओ। तो जैसे ही मैं अंदर गया मनीष मार्केट में, मुझे एक गार्ड ने रोक लिया और ही सेड कि अंदर शॉप्स की वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ वहाँ पे ज़्यादा सर कॉपी आइटम मिलते हैं और हर चीज़ का आपको कॉपी मिल जाएगा। तो आई थिंक शॉपकीपर्स बताना नहीं चाह रहे कि क्या क्या रखते हैं, बट मैंने अंदर गया और मैंने देखा कि वहाँ पे हर चीज़ का कॉपी आइटम मिल रहा था। और उसके अलावा वहाँ पे 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग है वो, और अंदर हर चीज़ था, कॉस्मेटिक्स भी था, मोबाइल्स का आपको कॉपी मिल जाएगा, वॉचेस की कॉपीज़ थी, और उसके अलावा वहाँ पे मोबाइल रिपेयर्स भी हो रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब मैं जा रहा हूँ CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ऑल्सो नोन एज VT विक्टोरिया टर्मिनस। ये जो रेलवे स्टेशन है ये मुंबई का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। इस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था 1878 में और 1888 में ये पूरा बन गया था। उस टाइम पे इस स्टेशन को बनाने का खर्चा आया था अराउंड 16 लाख रुपए। तो सोच लो कि उस टाइम पे 16 लाख रुपए तो आज तो कितने होंगे। ये स्टेशन बनाया गया था 1888 में टू मार्क 50 ईयर्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रूल ऑन इंडिया। ये है मुंबई का एक सबवे, एंड जस्ट लुक एट द क्राउड, बस लोग आते ही रहते हैं। तो ये है मेन CST स्टेशन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और इसके सामने यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से रोज़ गुजरती हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फटाफट रोड क्रॉस कैसे की जाती है। कैसा लगा मेरा ट्रिक, एक चुटकी में वहाँ से यहाँ? तो वो था VP। अब हम जा रहे हैं फोर्ट एरिया में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे कैमरा के लिए गुरिल्ला ट्राइपॉड लेना है। हम वापस आएंगे क्योंकि VT रात में वहाँ पे लाइटिंग होती है बहुत अच्छी, तो वो लाइटिंग देखेंगे। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ फोर्ट एरिया में। अंदर गुरिल्ला ट्राइपॉड मिलेगा? मैं बुलाया था आपको, एकदम भाग रहा था। मैं देख रहा था। ठीक नहीं, इससे कोई अच्छा वाला? तो फाइनली मैंने अभी ये गोरिल्ला ट्राइपॉड खरीद लिया है और इन भैया की शॉप से खरीदा है। आपकी शॉप का नाम क्या है भैया? आशा कैमरा। आशा कैमरा। तो अगर आप लोग फोर्ट एरिया में हैं तो यहाँ पे ज़रूर आओ, आशा कैमरा पे सब कैमरा एक्सेसरीज मिलेगा इसके बाद। तो अभी फाइनली मैंने गोरिल्ला ट्राइपॉड ले लिया है, अब आपको वाइट शॉर्ट्स देखेंगे पूरे ब्लॉग में। और रात भी हो चुकी है तो अब हम चलते हैं वापस VT, क्योंकि वहाँ पे अब लाइटिंग हो गई होगी, तो चलते हैं VT। ये है BMC की बिल्डिंग, ये भी बहुत पुराना आर्किटेक्चर है, ब्रिटिश के टाइम की ये भी बिल्डिंग है, और यहाँ पे BMC का हेड क्वार्टर है। तो ये भी बड़ा फेमस लैंडमार्क है, इट्स नेक्स्ट टू विक्टोरिया टर्मिनस या CST, एकदम उसके पास में ही है, और यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग हो रखी है। शायद उस टॉप फ्लोर पे आज पार्टी हो रही है, पूरी बिल्डिंग में येलो लाइट्स है, बस वहीं पे डिस्को लाइट्स चालू है। उस फ्लोर पे डिस्को लाइट्स है, बाकी पूरी बिल्डिंग में येलो लाइट्स हैं, तो शायद वहाँ कोई ना कोई तो आज पार्टी कर रहा है, मंडे को पार्टी। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना भूल गया कि VT और CST, जो VT है, जो CST है, वो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी आता है। तो बहुत ही पुराना इसका आर्किटेक्चर है, जैसे मैंने आपको बताया 1888 का आर्किटेक्चर है, और वो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी आता है। मुंबई में दो चीज़ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, एक है वेदर और दूसरा ट्रैफिक। अभी ये रोड बिल्कुल खाली थी एंड विद इन मिनट्स यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग गया है, और ये ट्रैफिक जाम लगा भी है, इतना बड़ा ट्रैफिक जाम लगा है कि पीछे तक गाड़ियाँ हैं। तो ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग,
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और उसके पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। 1888 से ये स्टेशन यहीं पर है।